UPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक फ्रीक्वेंसी लेकर के आया हूँ। यह टॉपिक UPPCL TG2 SSC JEE UPPCL JEE और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल से संबंधित विभिन्न जो परीक्षाएं होती हैं उनके सबके लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सभी प्रकार के प्रश्न को लेकर आया हूं और इसमें से आपके किसी भी एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन फंसते हैं। चाहे जैसा पेपर हो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। ठीक है बेटा, तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट किया जाता है। यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आवृत्ति जो दिया गया है, ठीक है ना, इसकी परिभाषा क्या होती है। एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को बेटा हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में, जैसे मान लो एक सेकंड का समय है और एक सेकंड में कोई वस्तु जितनी घूमेगी तो उसको हम चक्र या आवृत्ति कहते हैं, यही फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है ना, एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है बेटा हर्ट्ज जो होता है, और प्रैक्टिकली जो मात्रक होता है CPS होता है, साइकिल पर सेकंड या चक्र प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आवृत्ति का जो व्युत्क्रम होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, आवृत्ति का जो व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना, आवृत्ति के व्युत्क्रम को हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मात्रक जो होता है सेकंड होता है, और यह सेकंड एक मूल इकाई है या बेसिक यूनिट है। आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, याद रखेंगे फार्मूला। ठीक है ना, टी जो है ये आवर्तकाल होता है और 1/f जो है ये फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे दिया गया है विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में आवृत्तियाँ। तो किस किस क्षेत्र से संबंधित आवृत्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। सभी DC परिपथों की आवृत्ति जो होता है बेटा क्या होती है, ये 0 Hz होती है। कोई भी DC परिपथ हो सबकी फ्रिक्वेंसी जो है 0 Hz होती है। इसके बाद DC परिपथ का शक्ति गुणक बेटा इकाई होता है, शक्ति गुणक मतलब cos φ, ठीक है ना, इसको बिजली कारक भी कहते हैं। इसके बाद भारत में IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, ठीक है ना, AC परिपथों में धारा प्रवाह और वोल्टता की मानक आवृत्ति जो होती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज की जो फ्रिक्वेंसी होती है, मानक फ्रिक्वेंसी होती है बेटा, ये 50 Hz होती है। और इसमें वेरिएशन कितना होता है, 3% का इसमें वेरिएशन होता है। ठीक है, और इसके बाद विकसित देशों में आवृत्ति का मान जो है हम कितना लेते हैं बेटा, 60 Hz लेते हैं। अगला है कि भारत में संचरण लाइनों में आवृत्ति परिवर्तन कितना होता है बेटा, ये होता है ±1%। ठीक है, याद रखेंगे ±1% होता है। नेक्स्ट, दृष्टकारी परिपथों में फ्रिक्वेंसी। तो दृष्टकारी परिपथ जो होते हैं, रेक्टिफायर परिपथ होते हैं, उनमें आवृत्ति क्या होगी। तो उनमें आवृत्ति देखते हैं कि अर्ध तरंग दृष्टकारी की आउटपुट आवृत्ति जो होती है बेटा इनपुट आवृत्ति के बराबर होती है। अगर इनपुट आवृत्ति 50 Hz दी गई है तो इसकी आउटपुट आवृत्ति भी कितनी होगी, ये 50 Hz होगी। ठीक है, मैं किसकी बताया, मैंने बताया है अर्ध तरंग दृष्टकारी की। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी 50 Hz होती है। जबकि यहीं पर पूर्ण तरंग दृष्टकारी की आवृत्ति कितनी होती है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी की आवृत्ति आउटपुट आवृत्ति होती है जो आप फ्रिक्वेंसी इनपुट करेंगे। ठीक है ना, जो आप फ्रिक्वेंसी इनपुट करेंगे और जो आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पर जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी, ये आउटपुट फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 2 × इनपुट फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, जो फ्रिक्वेंसी इनपुट होगी जो हम सप्लाई देंगे, ठीक है ना, जो हमको प्राप्त होगी, जो प्राप्त होगी वो 2 × करके प्राप्त होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि आउटपुट में यदि आपने 50 Hz की सप्लाई दी, फ्रिक्वेंसी दी, तो जो इनपुट में सप्लाई 50 Hz की फ्रिक्वेंसी दी, तो आउटपुट में आपको प्राप्त होगी कितनी, 100 Hz की फ्रिक्वेंसी प्राप्त होगी। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बेटा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका सेंटर टेप, ठीक है ना, और एक होता है आपका ब्रिज, है ना, इसको हम सेतु भी कहते हैं। तो सेतु दृष्टकारी, इनकी दोनों की आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो होती है, सब सामान्य फ्रिक्वेंसी जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है उसकी दुगनी होती है। मतलब इसको अगर 50 Hz की सप्लाई फ्रिक्वेंसी दी जाएगी तो ये कितने की प्रदान करेगा हम लोगों को, 100 Hz की फ्रिक्वेंसी प्रदान करेगा। इसमें से इसका रिपल कम होता है, ठीक है ना, यहाँ पर जो रिपल होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी का कम होता है और अर्ध तरंग दृष्टकारी का रिपल जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, मोटरों एवं जनित्र, मोटर जनित्रों की आवृत्ति, इसमें पोजीशन आवृत्ति से क्या संबंध है इसका। प्रेरण मोटरों की गति आवृत्ति, ठीक है ना,
प्रेरण मोटरों की गति आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। हम कह सकते हैं कि जो एन होती है ये समानुपाती होती है फ्रिक्वेंसी के, अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो गति बढ़ती है, ये सीधे समानुपाती होती है। ये होता किसके माध्यम से है, एक फार्मूला है यहाँ पर देख सकते हैं, मोटरों में बदलने पर गति बदलती है। तो मोटरों में जो आवृत्ति है इसको अगर बदलते हैं तो गति की क्या होती है, गति बदल जाती है। तो तुल्यकालिक मोटर जो होते हैं, मतलब जो तुल्यकालिक गति होती है मोटर की, इंडक्शन मोटर या कोई भी, उसकी जो तुल्यकालिक गति होगी उसको ns इक्वल टू 120 ef बटे p और rpm में इस फॉर्मूले को दर्शाया जाता है। जबकि f आवृत्ति बराबर आपका क्या प्राप्त होगा, आवृत्ति बराबर होगा pn बटे 120 हर्ज, ये फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आगे मोटर जनित्रों में आवृत्ति और है आगे संबंध, थ्री पे इंडक्शन मोटर में रोटर की आवृत्ति, ये रोटर की आवृत्ति बेटा होगी FR जो होती है, ये रोटर की आवृत्ति होती है, F होती है सप्लाई आवृत्ति और S होती है बेटा स्लिप, क्या होती है ये स्लिप होती है, ठीक है ना। और स्लिप इक्वल टू क्या होता है, स्लिप इक्वल टू होता है NS माइनस N बटे NS होता है इंटू 100 कर सकते हैं। इसके बाद जो बैक रोटर आवृत्ति होगी ये क्या होगी, हम सबसे पहले बैक स्लिप निकालते हैं, तो बैक स्लिप होती है बेटा 2 माइनस s, मतलब 2 माइनस s दो और एक के बीच में जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो जो स्लिप का मान होगा वो आपका क्या होगा, बैक स्लिप होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने 2 माइनस s बैक स्लिप है, तो बैक स्लिप निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सप्लाई फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रोटर की बैक स्लिप निकल जाएगी। ये बैक स्लिप किस अवस्था में होती है, ब्रेक की अवस्था में, ठीक है, याद रखेंगे किस अवस्था में होती है, ब्रेक की अवस्था में। स्लिप बराबर क्या होती है, जो यहाँ पर है ये स्लिप गति लिखी हुई है ns माइनस nr, ठीक है ना, और बटे अगर यहाँ पर ns कर देंगे तो आपकी स्लिप निकल करके सामने आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे दिया गया यहाँ पर गति और फ्रिक्वेंसी संबंध। यदि आपकी सप्लाई कितनी है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है यहाँ पर, अगर 50 हर्ट्ज की सप्लाई आपको प्रदान की जा रही है या फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, तो उस अवस्था में यदि ध्रुवों की संख्या 2 तो गति 3000 प्राप्त होगी। ये कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले इस पर विचार करते हैं। तो जब हमको गति निकालनी है ns, ठीक है ना, ns गति निकालनी है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे 120 f बटे p। इसी फार्मूले से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जितने यहाँ पर दिए गए हैं। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 120 रखेंगे और इसके बाद फ्रिक्वेंसी रख देंगे कितनी 50, और बटे कर देंगे ध्रुवों की संख्या 2, कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे तो 60 आएगा, है ना, और 6 × 5 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं किस फॉर्मूले के द्वारा, ये फार्मूला सभी प्रश्नों में लगाया गया है। तो बेटा इस टेबल को चाहो तो याद कर लो, और इसमें डबल हैं, यहाँ से ध्यान देखेंगे, यहाँ से देखिए डबल है, इस साइड में ये 50 हर्ट्ज के लिए लिखा गया है और इस साइड में आपका लिखा गया है कितना, इस साइड में जो है इधर 60 हर्ट्ज के लिए गतियाँ लिखी गई हैं, इधर 50 हर्ट्ज के लिए गतियाँ लिखी गई हैं, ठीक है। 50 हर्ट्ज ध्रुवों की संख्या 2 तो 3000 rpm प्राप्त होगा, 50 हर्ट्ज ध्रुवों की संख्या 4 1500 rpm प्राप्त होगा, 50 हर्ट्ज ध्रुवों की संख्या 6 तो गति 1000 प्राप्त होगी, 50 हर्ट्ज ध्रुवों की संख्या 8 तो गति 750, 50 हर्ट्ज ध्रुवों की संख्या 10 तो गति 600 प्राप्त होगी, 50 हर्ट्ज ध्रुवों की संख्या 12 तो गति 500 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से ये 60 हर्ट्ज वाली है, 60 हर्ट्ज ध्रुवों की संख्या 2 तो गति 3600 प्राप्त होगी, इसी प्रकार से आगे भी है। तो बेटा इस टेबल को बढ़िया से अपना याद कर लीजिए, बहुत सही है, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जो है ना, हमेशा पिछली बार में इसमें से 3 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है बेटा। कोई विचार नहीं किया है यूट्यूब पर ये टेबल बनाने का, बेटा मैंने बना करके दिया है, तो अपना याद रखना, इसमें से पिछली बार UBPCL में जो 2021 में जो पेपर हुआ है, और इसके बाद 2023 में जो उत्पादन का पेपर हुआ है, इसमें से 3 से 4 प्रश्न एक एक पेपर में ज़रूर पूछे गए, सभी पेपर में जितने सेट होते हैं उतने सभी सेट में यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया है आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति, तो अनुनादी आवृत्ति से रिलेटेड भी प्रश्न आता है। तो श्रेणी परिपथों में अनुनादी आवृत्ति जो होती है वो एफ इक्वल टू होती है 1/2π अंडररूट LC। ये कैसे निकलता है बेटा, इसको निकालने के लिए हम लोग XL बराबर XC करते हैं, इसी से इस फ्रिक्वेंसी को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ देखते हैं, हमको श्रेणी परिपथ में फ्रिक्वेंसी आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखते हैं XL बराबर होता है XC, XL का मान हम लोग रख सकते हैं कितना, ωL, ठीक है बेटा, और XC का मान हम लोग रख सकते हैं कितना, 1/ωC, ओमेगा को एक साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ बेटा हो जाएगा तुम्हारा क्या, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/LC। अब ओमेगा इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√, ठीक है ना,
एल सी यहाँ हो जाएगा। अब इसके बाद ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, टू पाई एफ ओमेगा का वैल्यू होता है और यहाँ पर आप लोग लिख चुके हो अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एफ जो है ये निकल करके सामने आ जाएगा और वन जो टू पाई है ये इधर आ जाएगा टू पाई और ये हो जाएगा अंडर रूट एल सी। यहाँ से इस फ्रिक्वेंसी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फ्रिक्वेंसी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कई बार ये भी प्रश्न ये यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस आवृत्ति को बेटा हम कोणीय आवृत्ति के नाम से जानते हैं। ज़रा ध्यान देंगे एक बार फिर से, मैंने लिखा है ओमेगा बराबर वन अपान अंडर रूट एल सी, इस फ्रिक्वेंसी को कोणीय फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यह गोल्डन फ्रिक्वेंसी कहते हैं, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है याद रखेंगे इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, कोणीय आवृत्ति के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समांतर परिपथों की आवृत्ति। जो समांतर परिपथ हैं, समांतर परिपथों की आवृत्ति होती है एफ बराबर वन अपान टू पाई अंडर रूड वन अपान एल सी माइनस आर स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। ये फार्मूला परीक्षा में पूछा गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आए हैं दोनों के ऊपर। बेटा अनुनादी आवृत्ति जो होती है वो किलो हर्ज और मेगा हर्ज में होती है। अनुनादी आवृत्ति पर बेटा, अनुनादी आवृत्ति पर जो एसी परिपथ होते हैं ये डीसी परिपथ के समान व्यवहार करते हैं और अनुनादी आवृत्ति के समय जो पावर फैक्टर होता है, शक्ति गुणक जो होता है, ये बेटा इकाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक और फार्मूला दिया गया है, अनुनादी आवृत्ति जो होगी एफ जीरो, ये लोअर और अपर दो प्रकार की फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं बेटा। एक होगी एफ टू माइनस एफ वन होता है ये, ठीक है, एफ टू माइनस एफ वन होता है लोअर अपर फ्रिक्वेंसी। और दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने अंतर कर दिया बेटा, यहाँ पर योग करेंगे, दोनों का योग बटे दो होता है, ठीक है। दोनों का योग बटे दो करेंगे तो आपको अनुनादी आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। अनुनादी आवृत्ति को एफ जीरो और एफ आर दोनों से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है बेटा याद रखेंगे। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के द्वारा आवृत्ति को क्या करते हैं बेटा, एम्पलीफायर के द्वारा आवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है, एम्पलीफाई किया जा सकता है। बैंड आवृत्ति, बैंड आवृत्ति क्या होती है, अपर आवृत्ति एफ टू तथा लोअर आवृत्ति एफ वन के अंतर को हम क्या कहते हैं, बैंड आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। बैंड विड्थ भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है, बैंड विड्थ भी कहा जा सकता है। इसको बी डब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वी टू माइनस एफ टू माइनस एफ वन इसका फॉर्मूला है, बी डब्ल्यू इक्वल टू एफ टू माइनस एफ वन जो है ये किसका, बैंड विड्थ, किसका, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके बाद यहाँ पर हम इसका मात्रक दे सकते हैं, क्या, एच जेड दे सकते हैं। बेटा एक फार्मूला और होता है बैंड विड्थ निकालने के लिए, यहाँ पर हम जो बी डब्ल्यू है, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा आवर्तकाल टी बराबर एल बटे आर, ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसी का हम उल्टा यदि रख देंगे आर बटे एल, तो ये भी बैंड विड्थ का ही फार्मूला होता है, ठीक है याद रखेंगे। ये बैंड विड्थ का फार्मूला होता है और ये टाइम कांस्टेंट का होता है समांतर परिपथ में, ठीक है, समांतर परिपथ में टाइम कांस्टेंट का होता है। श्रेणी परिपथ में टाइम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, टी बराबर होता है बेटा आर सी और ये सेकेंड में लिया जाता है, ठीक है ना। आर इसमें रेजिस्टेंस है और सी जो होती है वो धारिता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया गया आगे नेपर फ्रिक्वेंसी, ये क्या होती है, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए नेपर आवृत्ति। तो बेटा अल्फा बराबर होता है वन अपान टू टी और टी बराबर श्रेणी परिपथों में अभी मैंने बताया था टी बराबर होता है आर सी, तो टी के स्थान पर हम क्या करेंगे, आर सी का वैल्यू रख देंगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, नेपर आवृत्ति का। तो नेपर आवृत्ति बराबर वन अपान टू आर सी हो जाएगा, किसमें, श्रेणी परिपथ में। और यही इसी फॉर्मूले में हम टी बराबर, इसी फॉर्मूले में यदि टी बराबर एल बटे आर अगर रख देंगे तो आपका फॉर्मूला नेक्स्ट ये प्राप्त होगा। जब ये प्राप्त होगा तो ये समांतर परिपथ में नेपर आवृत्ति होती है, ठीक है बेटा इसको याद रखेंगे अपना बढ़िया तरीके से। नेपर आवृत्ति पिछली बार परीक्षा में पूछी गई थी। हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट टॉपिक आप हमारे कमेंट में लिख भेजेंगे और उसी कमेंट के आधार पर मैं आपको किसी एक प्रॉपर टॉपिक का वीडियो बना करके दे दूंगा जिसमें से 100% आपके प्रश्न फंसेंगे जा करके, ठीक है बेटा। किसी भी टेक्निकल में से किसी भी टॉपिक का आपको अगर ट्रिक चाहिए हो मोटरों के संबंध में या किसी भी टॉपिक से संबंधित जो आपकी समस्या क्रिटिकल कर रहा हो, आप हमारे पास कमेंट करिए, मैं आपको उससे संबंधित ट्रिक प्रदान करूँगा। हम कम से कम बेटा 150 ट्रिक आपकी टेक्निकल से संबंधित बना करके रखे हैं जिन पर आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन एक आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें और शेयर बेटा कर दिया करो, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा। मैं आपको हर दिन आपको नए नए टॉपिक पर और पूरा कंप्लीट टॉपिक एक ही
वह एक ही टॉपिक से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न जितने हो सकते हैं मैं आपको प्रदान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद।